राधे राधे दोस्तों, जब भी बात श्री कृष्ण की हो तो गोपियों से घिरे ग्वाले का स्मरण अधिकांश लोगों को हो आता है। पर क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी एक लीला के द्वारा पूरे संसार को ये साबित कर दिया था कि राधा व गोपियों संग प्रेम, 16108 कन्याओं संग विवाह करने के बावजूद वो ब्रह्मचारी थे, योगेश्वर थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल माई तो गर्ल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि कान्हा से जुड़ी ऐसी अनसुनी कहानियाँ आप कभी मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने आप को ब्रह्मचारी साबित किया। ये बात उस समय की है जब कृष्ण वृंदावन से जाने वाले थे। उससे कुछ समय पहले गोपियों ने काफ़ी सारे पकवान बनाए ताकि वो इनको ऋषि दुर्वासा को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर दें और उनसे कोई ऐसा वरदान ले लें कि गोपियों को सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के चरणों की सेवा मिल जाए। दुर्वासा मुनि के आश्रम तक पहुंचने के लिए उन्हें यमुना नदी के उस पार तक जाना था। वह कृष्ण वहीं खड़े बांसुरी बजा रहे थे यमुना के किनारे। तो गोपियों ने कृष्ण से ये प्रार्थना की कि वो उन सबको ये नदी पार करवा दे। तब कृष्ण ने गोपियों से कहा कि आप यमुना से हाथ जोड़कर कहें कि यदि कृष्ण एक संपूर्ण ब्रह्मचारी है तो हमें कृपया करके मार्ग दे दे। गोपियां हंसने लगी कि कृष्ण और ब्रह्मचारी, तुम हमें यमुना मैया से झूठ कहने को मत कहो। तुमने हम सबसे प्रेम किया, रास लीलाएं रचाई, हमने तुम्हें अपना स्वामी माना, तुम ब्रह्मचारी। कृष्ण ने कहा कि मेरा कर्म आप सबको रास्ता बताने का था, आगे आपकी इच्छा। तब गोपियों ने आंखें बंद करके कहा कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दे। और गोपियां ये देखकर हैरान रह गई कि यमुना ने दो हिस्सों में बंटकर उन्हें मार्ग दे दिया। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी वो जल्दी से भोजन लेकर दुर्वासा ऋषि के पास जाती हैं और दुर्वासा ऋषि उनके भोजन से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान देते हैं कि वो सभी सदैव श्री कृष्ण के हृदय में वास करेंगी और धरती पर कृष्ण की लीला पूरी हो जाने के बाद उनकी अनंत काल तक सेवा करेंगी। जाते हुए अब गोपियों के सामने दोबारा यमुना को पार करने की समस्या आती है। इस बार दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप सभी यमुना से कहिए कि यदि आज दुर्वासा मुनि ने कुछ भी नहीं खाया है तो हमें मार्ग दे दें। गोपियां फिर हैरान कि अभी अभी दुर्वासा जी ने हमारे सामने हमारा सारा लाया हुआ भोजन खाया, फिर भी वो कान्हा की तरह में झूठ बोलने को क्यों कह रहे हैं। खैर, आज्ञा पालन करते हुए गोपियों ने कहा कि हे यमुना माँ, इस बार फिर से हमें मार्ग दे दें अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ भी नहीं खाया है। और यमुना मैया फिर से उन्हें मार्ग दे देती हैं और वो यमुना पार कर लेती हैं। उसके बाद वो कृष्ण से ये सवाल करती हैं कि ना तुम संपूर्ण ब्रह्मचारी हो और ना ही दुर्वासा मुनि भूखे थे, तब भी तुम लोगों ने हमें झूठ कहने को क्यों कहा और यमुना मैया ने वो झूठ सुनकर हमें मार्ग भी दे दिया कन्हैया, क्या राज है इसके पीछे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वो वास्तव में हमेशा से योगेश्वर थे और रहेंगे, चाहे वो कितनी भी गोपियों से प्रेम करें, रुक्मिणी, सत्यभामा, न जाने कितनी कन्याओं के साथ, देवियों के साथ विवाह कर ले, रास रचाए, क्योंकि उन्हें किसी से भी आसक्ति नहीं है, ना ही किसी के प्रति अतः प्रेम है या घृणा है। किसी काम को करने के पीछे उनका कोई इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं होती है। वो सब कुछ आसक्ति रहित होकर अपने भक्त के भले और खुशी के लिए करते हैं। उन्हें कोई रिश्ता वृंदावन से जाने से बांध ना सका, क्योंकि योगी को किसका मोह। इस तरह वो संसार में रहते हुए भी, हर कर्म को करते हुए भी योगी थे और गीता में दिया हुआ उनका कर्मयोग का सिद्धांत भी यही सिखाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो कृष्ण एक संपूर्ण ब्रह्मचारी हैं। और रही बात दुर्वासा मुनि की, तो दुर्वासा ऋषि ने भी सारा भोजन खाया, पर ना उससे जुड़े और ना ही उस खाने या उसके स्वाद के प्रति उन्हें कोई इच्छा या आसक्ति थी। उनका ध्यान ही हमेशा श्री कृष्ण में है। सारा खेल सिर्फ मस्तिष्क का है। हमारा दिमाग जिस चीज़ के प्रति आसक्त होता है, जिस चीज़ में ध्यान लगाता है, वही हमसे जुड़ जाती है और उसी कर्म का फल हमें मिलता है। वरना अगर हम बिना आसक्ति के कोई कर्म करें तो हमें उसका फल नहीं मिलता है, और यही कर्मयोग है। उनका इंद्रियों पर नियंत्रण था, इस तरह उन्होंने खाना खाते हुए भी नहीं खाया और दुर्वासा मुनि व कृष्ण का ये असली योगेश्वर रूप यमुना मैया अच्छी तरह से जानती थी। इस तरह से उस लीला के माध्यम से कृष्ण ने पूरे संसार को अपना असली ब्रह्मचारी योगेश्वर रूप दिखाया। वो खुद गोविंद है, सबकी इंद्रियों को सुख देने वाले। उन्हें किसी सुख की कभी कोई आशा नहीं है। वो दिखते आँखों से भोगी हैं, पर वास्तव में वो योगी हैं।
दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishnamysoulkhushbu और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें, अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये अद्भुत घटना हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल माइथो गर्ल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।